गजपति रायगढ़ अपहंच सरकारी योजना दिव्यांगों को मिलूनी भत्ता जणे कि दुई जण नुह चारि जण दिव्यांग योजनारु वंचित समस्त योग्यता थाइबी पाउ नहंती भत्ता जिला प्रशासनर पड़ुनी नजर आमे कहचु एंडिरी ग्रामर गुरुबारी सबर पिंकी बड़ भुईया सीताराम बड़ भुईया गगन सबरंक कथा गोटे गाँवें चारि जण दिव्यांग अछंती तथापि एमानंक उपरे अधिकारीमानंक नजर पड़ुना सीताराम बड़ भुईयांक बयस प्राय 25 हेलाणी ना से भलरे बसी पारुछंती ना खाई पारुछंती भलरे चाली मध्य पारुनाहंती सबुठ विडम्बनार विषय जे से भलरे कथा मध्य कहि पारुनाहंती किंतु आधार कार्ड नथिबा जोगु से एबे टंका मध्य पाउनाहंती सेहि परिवारर आउ जणे दिव्यांग पिंकी बड़ भुईया बयस 8 वर्ष हेलाणी से मध्य कथा कहि पारुनाहंती कि चाली मध्य पारंती नाही पिंकी पै आधार कार्ड पाइछि सिना से बयस कम अच्छे बोले कहते तार बोले आधार कार्ड ना आका आगे टू से आका बैंक ने एंट्री रुड़ बैंक ने आम कष्ट किए बैंक ने जन टेकवाक आनी कि ये गाड़ी सीना है गाड़ी पकई कि आम नहीं जीवर हाथ भी किसी आना कोई भी बाहर ना से कमी कौन करेंगे जे आधार कार्ड करेंगे बता पाते वर्षे पर कितु आधार कार्ड धरिक आसे बोले से आधार कार्ड नु खाद्य दे तेनिपाई तेणुक सरकार जदि आखि पकाउले निजे सरपंच भी थिला से निजे दृष्टि पकईले से जाणिके बता देते किंतु से आधार कार्ड रु खरवापाई से आठ होनी हाथ मार पिंगेर होनी तेणुक भी नेउना आधार कार्ड तैयार करने एबे आसंतु देखिबा सही ग्रामर ही आउ जणे दिव्यांग हेम्बटी काजी से मध्य पिलाटी दिनरो भल भाबरे कथा कहि पारंती नाही कि सुनी पारंती नाही तांको पाखरे दिव्यांग कार्ड रहिछि हेले भत्ता मिलु नाही ग्रामर सनिया काजी बारंबार गुहारी करि मध्य भत्ता पाइ नथिबा से अभिजोग करिछंती तो सरकार कि चासी दृष्टि देउनांती तो एपटो देउछंती लेखि खेले मध्य से माने आधार कार्ड नाय किंबा किछि प्रमाण पत्र न देले केन देबो बोलकि कहउछंती खाटी दे बहुत कष्ट सर खाई पार ना कि कुआ छाली पार ना कि कही पार ना सर बहुत बड़ समस्या रे माने रोचंती से खानु भी सुबु ना कथा कहू ना से झील को अधिकारी जी से पैसा पेंशन मिलूना से डॉक्टर साहब मिले सीना मिलू ना पैसा देना ग्राम चेक अनलाइन डेली से मतलब देला ना राज्य सरकार आदिवासी कल्याण पाई विभिन्न योजना करुछंती हेले प्रकृत हिताधिकारी निकटरे ताहा केते दूर पहुंचुची एही दिव्यांग को देखिले स्पष्ट होउची गजपतिरो कैमरा पर्सन हेमंत प्रधान जितेंद्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।